जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स के साथ मीटिंग करके भू माफियाओं और डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा था कि सड़कों और बाजारों में भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं दिखाई देना चाहिए। तो वहीं मीटिंग खत्म होते ही पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और हाईवे के किनारे खड़ी तमाम टूरिस्ट बसों पर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि परिवहन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, इसके आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आगे क्या कार्रवाई होनी है। और वाहन को अवैध सड़कों पर खड़ा करने के विरुद्ध शासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज बड़े चौराहा कस्बा मौदा जनपद हमीरपुर में अवैध रूप से पार्किंग की गई बसों को पकड़ा जा रहा है। उन्हें आरटीओ को रिपोर्ट दी जा रही है। आरटीओ आके इनकी परमिट और इनके पार्किंग के स्थान का जाँच करेंगे। गलत पाए जाने पर इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी कितने लोगों का चालान हुआ है? चलान के लिए आरटीओ को बताया गया है। आरटीओ वहां से आ रहे हैं, आके सबका परमिट चेक करेंगे। जिनके पास वैध कागजात नहीं होंगे उनके विरुद्ध चलान करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD